फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी और आज मैं न्यू वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आ चुका हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन। और ये पिछली बार की तरह सेम नहीं है। पिछली बार जो मैंने वीडियो बताया था वो SSD कंडीशन में था, सरफेस सैचुरेटेड ड्राई कंडीशन। बट इस बार मैंने क्या किया है, फ्री मॉइस्चर कंटेंट चैप्टर को कवर किया है। ठीक है, तो जिन्होंने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाके पहले इस वीडियो को देख लो। बहुत ही अच्छा वीडियो है, मैं पूरा उम्मीद से कह सकता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ठीक है, तो फ्री मॉइस्चर कंटेंट ये होता क्या है, मैं आपको पहले बता दूँ। ठीक है, सपोज देखो SSD कंडीशन में, पहले तो बता देता हूँ SSD कंडीशन में जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है। जब भी सैंड या स्टोन चिप्स हमारे साइट पे स्टैक करके रखा हुआ रहता है, वो ऊपर से तो ड्राई रहता है बट अंदर से कुछ ना कुछ नमी रहती है, उसमें कुछ ना कुछ पानी तो रहता ही है। ठीक है, उसी को हम लोग SSD कंडीशन बोलते हैं। तो कोई भी मटेरियल हो, कुछ ना कुछ उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन है जो स्टैंडर्ड है। मैं अपने पिछले वाले वीडियो में देखिएगा, कोर्स एग्रीगेट का जो परसेंटेज बताया था वाटर एब्जॉर्प्शन का, वो कितना बताया था, 0.86। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। फाइन एग्रीगेट का जो वाटर एब्जॉर्प्शन मैंने बताया था 1.25%, ये भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। स्टैंडर्ड वैल्यू मीन्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। हम लोग एक्सपेरिमेंट किए लैब में, हमारे साइट पे जो मटेरियल आया, ठीक है, SSD कंडीशन में, तो उसका जो वैल्यू आया वो कितना आया, कोर्स एग्रीगेट का 0.86, फाइन एग्रीगेट का 1.25, ठीक है, परसेंटेज। तो चलो ये हो गया। अब सपोज मान लो ड्यू टू रेन और बाई सम हाउ ऑल एग्रीगेट्स मिक्सड विथ वाटर। ठीक है, बारिश हो गई साइड पे और क्या हुआ, हमारे सारे एग्रीगेट्स जो हैं उसमें पानी मिक्स हो गए। तो अब तो मुश्किल हो गई, क्योंकि आप जो मिक्स डिज़ाइन जानते हो या सिविल इंजीनियर हो, वो जानते हो गए कि पानी का कितना ज़्यादा वैल्यू है कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन में। अगर पानी बढ़ता है तो स्ट्रेंथ कमता है, ये हमेशा याद रखना। तो हम लोग जब भी मिक्स डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हम लोग ध्यान रखते हैं कि पानी का क्वांटिटी हम लोग बढ़ाएं नहीं। इसलिए आजकल देखना एडमिक्सचर बहुत सारा आ गया है जो पानी का क्वांटिटी क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है, डोजेस डाल के। चलो, तो बारिश हो गई, बारिश होने के बाद हम लोग क्या देखें कि एग्रीगेट के अंदर जो पानी है वो बढ़ गया, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉइस्चर कंटेंट, फ्री मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन SSD कंडीशन में है ना, ये नॉर्मल मॉइस्चर कंटेंट है, ये भी एक टाइप का मॉइस्चर है, बट उसे बोलते हैं NMS। NMS मतलब नॉर्मल मॉइस्चर कंटेंट। और बारिश हो गई, मॉइस्चर ज्यादा मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू से ज्यादा आ गया, SSD कंडीशन क्रॉस कर गया, मतलब वो हो गया FMS, फ्री मॉइस्चर कंटेंट। अब क्या करेंगे, उस सैंड का, उस फाइन एग्रीगेट का, उस कोर्स एग्रीगेट का हम क्या करेंगे, लैब में टेस्ट करेंगे और उसमें टोटल मॉइस्चर कंटेंट अब कितना है, मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन कितना है, मॉइस्चर कंटेंट हम लोग अब निकालेंगे। तो हम लोग क्या किए, लैब में जब चेक किए तो पता चला कोर्स एग्रीगेट का जो वैल्यू आ गया वो हो गया 2% और फाइन एग्रीगेट का जो वैल्यू आ गया वो हो गया 3%। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, पानी ऑलरेडी उसमें चला गया है। हम लोग जब मिक्स डिज़ाइन करते हैं कॉन्क्रीट तो पानी फिक्स रहता है, हम लोग डिज़ाइन जो करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पानी हमारा बढ़ चुका है। ठीक है, तो अब देखो उस पानी के बढ़ने से कहाँ कहाँ चेंज आने वाला है वो हम लोग अब डिज़ाइन करेंगे। तो एक्चुअल मॉइस्चर कंटेंट हम लोग निकालेंगे। देखिए, ये जो फ्री मॉइस्चर कंटेंट है ये एक्चुअल मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, इसमें हमारा SSD कंडीशन वाला मॉइस्चर कंटेंट भी इंक्लूड है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्री मॉइस्चर कंटेंट से SSD कंडीशन वाले मॉइस्चर कंटेंट को माइनस करेंगे। तो चलो हम लोग मॉइस्चर कंटेंट एक्चुअल निकाल लेते हैं पहले। तो एक्चुअल मॉइस्चर कंटेंट, कोर्स एग्रीगेट इज इक्वल टू फ्री मॉइस्चर कंटेंट कितना था, 2% माइनस जो SSD कंडीशन में वाटर एब्जॉर्प्शन था 0.86, उसको माइनस कर देंगे तो देखो कितना आया, 1.14। ये हमारा एक्चुअल मॉइस्चर कंटेंट है। ठीक है, ध्यान रखना, फाइन एग्रीगेट का भी सेम वैसे ही निकाल लेंगे, फ्री मॉइस्चर कंटेंट माइनस जो SSD कंडीशन में है 1.25, माइनस करके निकाल लेंगे 1.75%, ये हमारा एक्चुअल मॉइस्चर कंटेंट निकला। अब देखो इस मॉइस्चर कंटेंट की वजह से
कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट के वॉल्यूम में, मास में, सॉरी मास में क्या चेंजिंग आ रहा है वो अब हम लोग पता करेंगे। तो मेरे पिछले वाले वीडियो में जिन्होंने देखा है या नहीं देखा है जाके देख लो उसे। इन माय प्रीवियस वीडियो मिक्स डिजाइन हम लोग जो किए थे उससे हम लोग कोर्स एग्रीगेट का, फाइन एग्रीगेट का, वाटर का जो है वो हम लोग मास निकाले थे वो कितना था आप देख लोगे। कोर्स एग्रीगेट का जो मास था वो था 1082.2 kg, फाइन एग्रीगेट का निकला था 721.4 kg और वाटर निकला था 181.82 लीटर या के जी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है तो इतना। ये हम लोग मिक्स डिजाइन करके निकाले थे बट अब बारिश होने की वजह से मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गई, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गई तो ये जो वैल्यू है, ये मास है कोर्स एग्रीगेट का, ये सब उथल पुथल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब करेक्शन करेंगे कोर्स एग्रीगेट का भी, फाइन एग्रीगेट का भी और पानी का भी। अब एक बेसिक सा फंडा मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना उस बात को। पानी जितना चाहिए था उससे कई ज्यादा बढ़ चुका है, कैसे, बारिश की वजह से। तो हम लोग को अब क्या करना है, वो पानी कंक्रीट से वापस निकालना है, ठीक है, क्योंकि पानी तो ऑलरेडी ज्यादा चला गया है ना, जितना चाहिए था उससे कई ज्यादा चला गया है कंक्रीट में बारिश की वजह से। तो हम लोग को वो कंक्रीट, वो वॉल्यूम पानी का निकालना होगा। अब पता करना है कि कितना निकालना होगा, ठीक है। तो देखो वही मैं बता रहा हूं। तो चलिए करेक्टेड मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट निकाल के हम पता करते हैं कि कितना पानी निकालना है, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल मॉइस्चर कंटेंट जो आया है ना परसेंटेज में, 1.14 कोर्स का आया था, 1.75 फाइन का आया था। अब देखिए यही डिसाइड करेगा कि कितना पानी हम लोग को माइनस करना है, क्योंकि बारिश की वजह से पानी ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो जो देखिए कोर्स एग्रीगेट का जो परसेंटेज आया है ना, हम लोग डिजाइन करते वक्त कोर्स एग्रीगेट का मास कितना आया था, 1082.2 kg। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका 1.14% निकालेंगे, ठीक है, वही चीज हम लोग का पानी में माइनस होगा। देख लो कैसे हम लोग दिखाते हैं। करेक्टेड मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट, पहले तो आप लिख दो जो उसका मास था डिजाइन करके आया था 1082.2, ये मैंने लिखा यहाँ पे प्लस, ठीक है, एक्चुअल कोर्स एग्रीगेट, एक्चुअल मॉइस्चर कंटेंट 1.14 परसेंटेज ऑफ इसका, इसका 1.14% हम लोग निकालेंगे जो कि ये है, ठीक है, जो कि ये है। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो अलग अलग लिखना ताकि हम लोग को पता चल सके कि कितना वाटर माइनस करना है, ठीक है। तो 1082.2 ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस ये जो परसेंटेज 1.14% कोर्स एग्रीगेट बढ़ेगा वो कितना आया, देखो 12.34 kg। इस दोनों को ऐड कर दोगे तो ये टोटल आ जाएगा, ये करेक्टेड है। अब मेरा मिक्स डिजाइन चेंज हो गया, कोर्स एग्रीगेट का मास क्या हो गया, 109.94.54 kg। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, फाइन एग्री करेक्शन करेंगे। तो फाइन एग्रीगेट का मास कितना था पहले मिक्स डिजाइन करके, 721.4 kg ये रहा। अब क्या करेंगे, फाइन एग्रीगेट का मॉइस्चर कंटेंट कितना है, 1.75%। तो 1.75% ऑफ दिस ये आप निकालोगे तो देखना, ये तो 721.4 यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 12.62 kg, ठीक है। तो टोटल ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब देखो ये क्वांटिटी जो बढ़ रहा है कोर्स एग्रीगेट का और ये जो क्वांटिटी बढ़ रहा है फाइन एग्रीगेट का, यही माइनस करेंगे हम लोग वाटर में। तो करेक्शन करेंगे वाटर का करेक्शन, हम लोग जो मिक्स डिजाइन किए थे उसमें वाटर कितना आया था, 181.82 लीटर, ठीक है, तो वो हम लोग लिख दिए। उसमें हम लोग माइनस क्या करेंगे, 12.34 ये वाला ये माइनस किए हैं, 12.62 ये वाला माइनस किए हैं, इसको माइनस करके जो वैल्यू आएगा 156.86 kg। तो अब हम लोग का नया जो करेक्शन करके पानी का जो मास आया है वो कितना आया है, 156.86 kg। देखिए हमारा जो पानी का जो वॉल्यूम था, जो मास था, वो घट के 181 से 156 हो गया, क्योंकि बारिश की वजह से ऑलरेडी पानी उसमें गया हुआ था। पानी बढ़ा तो हमारा कोर्स एग्रीगेट भी बढ़ गया, फाइन एग्रीगेट भी बढ़ गया और पानी क्या हो गया, घट गया। तो यही फंडा है हमारा मॉइस्चर कंटेंट का, बहुत ही इजी है।
अगर वीडियो में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हुआ हो तो फिर से एक बार रिकैप करके आप लोग देख लो इसको। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छा लगा होगा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं कुछ नया लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।